सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। भाई अब भी सोच लो भाई, लेबर अड्डे पे से नको भाई, समझो कार्गो और मूवर्स से बुक कर लेंगे अपन। अरे कार्गो एंड मूवर्स वाले 15,000-20,000 रुपए बोलते रहे भाई, ये लेबर अड्डे पे से लेबर को उठा लिए तो 3,000-4,000 में काम खत्म हो जाता। सही है भाई, पूरे गांव वाले रहते समझो तुम। अरे अपने को क्या घर में रख लेने का है, इनको गांव वाले रहते बोलते अपना काम कर दिए बात खत्म, तेरे क्या मालूम रे भाई, तू क्या मैं पहली बार करा रहा हूँ समझ रहा क्या? तो बड़े भाई यार 2 मिनट ठहरो भाई। अरे बड़े भाई ठहरो भाई, तो इससे इन लोगों से करा लिए ना अपन, बहुत से वो 3,000-4,000 उससे ज्यादा नहीं लगते, वो कार्गो एंड मूवर्स वाले पूरा दिन ले लेते। हाँ। क्या है सामान? पीछे गली में घर है, पूरा सामान घर शिफ्ट करना है समझो। अच्छा। तखत पलंग मैलादान हवादान सब है उसके अंदर। अच्छा। पूरा शिफ्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाने का है पूरा। कितना देते तुम बोलो, क्या लेते तुम बोलो यार, हम लोग कैसा बोलना, बोलो जी कितना देते तुम बोले के हिसाब से बात करके हम लाते ना साहब, अलग रहता पूरा हिसाब। 2,000 रुपए बोलो तुम, बोलो जी जो भी है दे देंगे। चलो तुम और तुम अकेले कर ले सकते, कोई भी है? नहीं साथ में है, हमारे साथ है ना साथ में, तुम टेंशन ना लो, आप दो जने मिलके पूरा कर लेते हम लोग, पूरा उठाना बिठाना आराम से हो जाता, टेंशन ना लो। 12,000 रुपए दे दो। कितने? 12,000। अरे क्या दीवाने हो गए क्या तुम, पहली बार अड्डे पे थे रे सोए? नहीं भाई तुम कब से ठहर रहे हैं अड्डे पे? हमारे साथ जो आदमी रहता नहीं उन्हें 8,000 खा जाता। नहीं नहीं अब आगे ले रहे हैं, बहुत मिलते हैं यहाँ पे। बोलो कितना देते? 2,000 रुपए देता हूँ बड़े भाई। भाई 12,000 बोलिया? 2,000 रुपए देता हूँ। एक काम कर, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, 3,050 रुपए कर दो। अरे 50 रुपए का ही कु भाई, 3,000 रुपए ले लो। हाँ ठीक है देंगे, चलो हमारे लड्डू पाशा आते हैं। लड्डू पाशा कहाँ, डीसीएम के नीचे चले गए क्या? अरे लड्डू पाशा, लड्डू पाशा। सामान उठाते बोला नहीं मैं अभी, उन्हारे हम दोनों मिलके पूरा कर देते, तुम टेंशन लेने का कुछ भी जरूरत ही नहीं है उधर। भाई जरा समझा दो पूरा काम उनको। अरे सामान खाली करना है कहते घर का, अपन दोनों जाके करने खाए। हाँ ठीक है भाई, 50 रुपए तो ऑटो में आए तो आटे गिटे में नहीं आते हमें लोग। हाँ फिर कैसे आते? तुम्हें गाड़ी पे तो हम भी गाड़ी पाती। हाँ तो ला लो गाड़ी तुम्हारी। हाँ पिछड़ा। अरे तुम्हारी ला रो। अरे हमारे गाड़ी घोड़ा क्या भी नहीं है, तुम्हारी गाड़ी पहुँचाती है हम ही ऑटो से क्यों है ना, हमने रास्ता ही भटक गए तो कई सारी रास्ता भटक गए तो दूसरा देख लो जी, बाजा दूसरा देख लो। लड्डू पाशा बोल दिए बोल दिए जा। ये देखो तुम ऑटो में आओ, हमला सामने चलते पीछे पीछे आते रहो, ऐसा ना रहते हम भी संगति चाहती है, लेबर आने तक पीछे बिठाती है। गाड़ी नहीं है तुम लोग कई साहब बोलते बिठा लेंगे, ऑटो में आओ जी पैसे मैं देता हूं। नहीं कर रही नहीं कर रही, गाड़ी गाड़ी हम ना दे दो, तुम लोग ऑटो में आओ। अच्छा दिखता है ऐसा बोले तो? हाँ जी अच्छा दिखता जी, अच्छा दिखता है। कैसा अच्छा दिखता भाई, तुम यहाँ दो जाने गाड़ी पे कैसे आते जी? आती जी हमें चलाती, तुम्हें आती हटा। बड़े भाई तुम टेंशन ना करो, लड्डू पाशा सब करते हैं, खाली के साथ साथ दिमाग खाली करते हैं सबका। अरे भाई तुम पीछे बैठो, अरे तू चला, अरे भाई इसको क्या दे रहा चला भाई, अरे काई कैसा करे तुम, हो जाता ना भाई, मैं चलाया तो आतू ना तो तुम ही लोग हां तुम लोग जाओ भाई, दूसरा लेबर देख लो जाओ। हमारा काम कैसे करते तुम, क्या काम करना है अपना, सामान निकालते कौन, उल्लंघन निकाल सकते 3,000 में, कुछ नहीं मेरे बात सुनो। अरे भाई आ चला, अरे बैठो तुम्हें बैठा, तुम्हें बैठा जी। नहीं हमारे भाई बैठते, भाई बैठते हैं, चलो बैठ बैठो जी, घर खाली करना, पीछे पीछे बैठो, हम लोग अपने लेना भी खाली करेंगे कितने की मालूम। अरे वो बात क्यों बोल रहे बे, नहीं बोलना जी, नहीं बोलना वैसा बात, पुलिस गुलिस में कुछ तो भी होता है, तुम्हारे को चलाने आती गवर्नमेंट जॉब के रेट ऑफ सिलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है, एज लिमिट है, रिजर्वेशन, हजार झंझटा है, एक बड़ी तादाद आज इस एस्पिरेशन जॉब के पीछे पड़ी हुई। अब हर किसी को जॉब मिलना ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे में हमारे युवा के पास क्या ऑप्शन रह जाता? 1.35 बिलियन हमारी देश की पॉपुलेशन है, ऐसे में गवर्नमेंट हर किसी को रोजगार तो नहीं दे सकती, प्लान बी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्लान बी क्या है। शुभम सागर को लीजिए, उनको दुनिया बदलना था, इंजीनियरिंग के बाद एक साल नौकरी करके यूपीएससी करने का ठान लिया, जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी में लग गए, फ्री टाइम पे एक खुद की मैगजीन स्टार्ट करे प्रो रेसलिंग के बारे में। उनको रियलाइज हुआ कि प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपिंग में उनको बहुत मजा आ रहा, तो यूपीएससी और इंजीनियरिंग छोड़ के उनका दिल प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे आ गया। मगर इसमें जॉब मिलेंगी बोल के क्या गारंटी? सिंपल है, री लेवल के एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट लिखने के बाद शुभम को 15 दिन के अंदर अंदर लॉजिक किट्स में जो है सो प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी मिली, और आज उनके होर्डिंग्स लगे हुए पूरे देश में। री लेवल से टोटल 80 करोड़ वर्थ के जॉब्स अभी तक डिलीवर हुए।
लास्ट मंथ तक 1300 प्लस जॉब ऑफर्स रिलीज हुए कंपेयरिंग टू अदर हायरिंग प्लेटफॉर्म, ये बहुत ज्यादा है और उनमें से कुछ कैंडिडेट के होर्डिंग्स अक्रॉस द इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। आप टोटल 11 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हैं, सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एटसेट्रा एटसेट्रा, और आप रीलेवल का कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। 14 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो 14 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आपको वापस। मोबाइल में भी अवेलेबल है, मतलब कैब बस ट्रेन में भी आप पढ़ सकते हैं। फ्री टाइम पे आप रिकॉर्डेड प्रॉब्लम्स का सलूशन भी देख सकते हैं और लेट नाइट में आप रीलेवल की लाइब्रेरी में जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फिर इंतजार कौन सी बात का कर रहे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पढ़ो, कोर्स करो और बहुत जल्दी एक जॉब हासिल करो। थैंक यू। रे कहाँ है जी घर? ये डबल एफ गार्ड है। अरे लड़का भाषा का नहीं रे, भगा रे। अरे भगा 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 आ जा आ गए अम्मा। हे क्या खटारा गाड़ी थी तुम्हारी? तू भगाया रे लड्डू गाड़ी? भाग रही है नहीं क्या? अरे अच्छा भगाया गाड़ी तू? क्या भगाया बोल रहा तू? क्या भगाया? क्या नहीं भगाया मैं? हे क्या दीवा क्या है अब? ये घर है, अंदर चलो, सामान बता देता हूं तुम्हारे को मैं। जाएंगे जाएंगे, जरा ठहरो, अब तो आई जरा चार्जिंग वार्जिंग कर लेती। बात करके आई, साहब से बात करके आया, तमाशा कर रहा क्या रे लड्डू पाशा तू? देख बा बीड़ी काड़ी हुए तलक मिंजे काम नहीं होता, पी रहे तो पी नहीं तो जान दे। देख दल्ला। अरे भाई तुम काम करने को आए, पहले सामान देख लो, उसके बाद बीड़ी चाय सब ले लेके बैठो। पहले बीड़ी काड़ी उसके बाद सब्जी बा, जरा पानी पी लो, चाय मंगवा जरा। अरे भाई पहले सामान देख लो, काम शुरू करो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे को चाय भी ला के देता हूँ, पानी भी ला के देता हूँ। लड्डू पैसा करो। अरे किसको तो भी लाया रे भाई तू, अभी आके बीड़ी काड़ी वो चाय होना कहते हैं। क्या तू बात कर रहा साहब से? तू पूरा खराब कर रहा क्या? तू पैसे दे तू मौलाना ना लड़पाशा मैं। अरे क्या पैसे दे रहे तू? आधे कहा बात कर को लाए, और ऊपर से बीड़ी काड़ी नहीं चाय पानी नहीं, कैसा काम करती? चलना जल्दी पहले काम कर लो, बाद में चाय भाई जो भी पीना है पी लेके। नहीं हो नहीं जर्रा वैसा क्या भी नहीं होता, पहले मिंजे बीड़ी काड़ी ना उसके बाद चाय पानी ना फिर काम होता, नहीं तो क्या भी नहीं होता। लड्डूपाशा मैं तेरे पूरे मैसेज कर रहे, तेरा काम था बोल को मेरे को बुलाया तो मैं आके पूरा काम करके गया ना उधर। अरे तो मैं तेरा पूरा इंतजाम नहीं करिया चाय बीड़ी पानी का है? ऐसा करे तो कैसा होता है भाई? तुमको पहले ही बोला गांव वालों को नकलो अड्डे पे से, वो तो सुनते नहीं गए तुम। गांव वाला किसे बोल रहे? नहीं करती काम जा रही है। अरे नहीं चाची, गांव वाला किसको बोल रहे? अरे नहीं, अरे भाई ये गांव वाले क्या है, वो कार्गो मूवर्स से जबरदस्त काम करते, सुना इनका रात दिन का काम है, इनको मालूम कैसा उठाना, उठा के अंदर रखते, अंदर का बाहर रखते, लो सही काम करते रे भाई, इनोवा का रात दिन का काम है ये। ओ जी आए जब से खाली पुकार रहे नाव लगा। अरे भाई क्या है रे भाई, आते के साथ ही पुकारा शुरू कर दिए। ये सब करने से पहले हम ना चाय होना, चाय पिए तो चंद करती ना तो नहीं करती। जा रे भाई तो रॉयल जी से चाय ला के दे डाल। ए होटल की नहीं पीता मैं, घर की पीता, होटल की तो रोज मिलते मिंजे। अच्छी कड़क चाय बनो बोलो, जरा दूध अच्छा डालो बोलो, पत्ती कम डाल को, शक्कर जरा अच्छी डालो बोलो, ना अच्छी रहो ना ताकत आती करने। बिस्किट भी लाऊं क्या उसके साथ? बहुत भारी जी भा। अरे ने कई के फरमाइशा कर रहा रे भाई, कड़क बनाओ, दूध ज्यादा डालो, पत्ती कम डालो, कई के फरमाइशा है रे, काम करने को आए तुम लोग, आए फरमाइशा करने को आए। ये मेरी मर्जी जी। ये लड्डू पाशा फिर ना रे साहब, मैं बात करे साहब, मर्जी कर लो बोल रहे भाई, अब यहाँ काम करो बोल इसको। लड्डू पाशा, लड्डू पाशा मेरी कसम रे, तू काम करना, मैं साहब से बात करिए ना, याकूतपुरे में तेरे साथ आया मैं काम करने को। कितने बार बोलता रे याकूतपुरे का, उससे पहले भी बोला था। अरे फिर मैं नहीं सताया ना रे इतना, तेरे मेरी कसम रे लड्डू पाशा, काम कर रहा नहीं कर रहा तू भी। अब तो कसम डालिया तो करना पड़ते, हौर नहीं तो क्या। चलो चलो जी बात चलो, पहले बोलो रे भाई, काम खत्म करे थे किसका पुकारा नहीं होना रे भाई, कम दे रहे वो कर रहे ये कर रहे, काम करो रे, आके सामान नहीं देखे, कम दे रहे क्या रे भाई, साहब लोगों से कहीं लड़ रहा तू? पहले पुकारा नहीं करना बोला, क्या बोल रहा जी बाबा, हम लोग करते पूरा काम। जी मैं गाड़ी पे सो तो उतर को पी तू, गाड़ी पे तो मैं पी तू, मेरी मर्जी। अरे तू कहीं भी पी रहे भाई, अड्डे पे जाके पी, काम को आया ना तू इधर पहले। उसको गुस्सा नको दिलाओ जी बाबा, मैं कर रहे ना काम पूरा, उन्हें नहीं करना तो उसका पूरा काम मैं करते बस। हल्लू लाओ जी, हल्लू लाओ जी, हमारे दादा की निशानी है वो, आखिरी निशानी, हल्लू लाओ बहुत वजन है जी, ऊपर लो लड्डू पाशा बोल रहा हूँ मैं, छुटिया।
अरे वो हमारे दादा की निशानी थी रे, गिरा दिया। अरे तुम्हारे दादा को तो नहीं गिराया जी, आखिरी निशानी थी तो उठा को रखेंगे अंदर, है इतना वजन है कैसा उठाना। अरे तुम मरहूम दादा के बारे में बोलता क्या रे वैसा? लड्डू पाशा दादा को रोको बोल रहे, मेरे भी दादा नहीं है ना रे। क्या की बात तेरे दादा बीड़ी पीते थे, मैं भी तू लड्डू पाशा बीड़ी रखो। अरे बाद में पियो तुम लोग, सामान उठाओ पहले, सामान उठा के डालो, खोलो आरो तो खोलो। अरे एक सामान उठा रहा कि नहीं, बीड़ी निकाल रहा रे भाई। दान दे बा बीड़ी, बीड़ी तोड़ रहा, तोड़ के फेंक रहे बा बीड़ी, चल उठा खोल रहा भाई, खोल खोलो जी खोलो। बीड़ी बीड़ी अब बीड़ी निकाला तो मार दो रे तेरे को। अब मैं काम नहीं करता, मारता बुझाई नहीं मिलते, मैं काम नहीं कर रू। अरे साहब रखो छेड़ियो साहब, ऐसा तुम प्लीज लड्डू पाशा गुस्से में आ जाते साहब। अरे बरकत देख अभी गिरा दिया वो, अब फिर गिराएंगा उसको। अब अगर तेरे गिराया ना तो मार दो रे तेरे को मैं, उठा रे चल चल उठा, नखरे कर रहा। हम ही दो लोगों से नहीं होता है, अभी एक जने हाथ लगाना, अभी एक जने होना पड़ता ना साहब। तेरे को पहले ही बोला ना, तुम दो आदमी कर लेते बोले ना पूरा सामान। अरे साहब दो आदमी से नहीं होता ना साहब, दादा का है ना साहब सामान। अरे ये दादा का है, अभी दादी की भी पेटी आ रही है अभी। ए वो सब क्या है ना जी, पकड़ा जी, हाथ लगा जी, हाथ लगा, थोड़ा हाथ लगाना साहब, थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट लगा जी। अरे लेबर है, लोग आए अपने जी, चल जान दे रे बे चीज़ आप। लड्डू पाशा मेरा दोस्त है, तो मेरा सेट है वो, चल लगा लगा हाथ लगाना साहब, थोड़ा हाथ लगा, जय 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 उठा जा। अरे चलो, अरे लड्डू ऊपर भाग तू। अरे साहब ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, तुम खाली नीचे खड़े हो, तुम ऐसे ऊपर चढ़ो। अरे हमारे भाई है वो, काम वाला ही नहीं, इसको चढ़ने दे। क्या नहीं जी, बाहर ढकल पकड़ रहा, कलर उखड़ जाता और हल्लू रखो। थारे जी तुम ही अलग नया कर रही, चल कांसेलर तो पकड़ गई है। ए साहब तुम्हारे आदमी को समझा साहब, तो ड्राइवर है क्या है मेरे को नहीं, लड्डू पाशा कुछ नहीं बोल। अरे मैं कई को बोलूंगा रे भाई, मेरे क्या पड़ा लड्डू पाशा को, तुम ला काम करो, खामोश चले जाओ, मेरे क्या करना है रे भाई। अरे गाड़ी नहीं है रे, वो परसों चीसी दड़ा के लाया, कलर उखड़ जाता। अरे तू ऊपर बैठ के भिड़ गया फिर रहा है उतर। अरे देख फिर बीड़ी निकाल आना इन्हें। अरे बार बार बीड़ी पी रहा हूँ। अरे गाँव वालों को लेके औसत काम पे तुम लोग लड्डू पाशा, गाँव वाला नहीं, हम गाँव वाले का काम कर कौन करते हैं। गाड़ी उठा के बीड़ी रखो भी उतर साहब, मेरे को एक बीड़ी दे रहे। अरे रे बा, अरे तुम लोग एक डब्बा लाके बीड़ी पी रहे क्या रे, खराब कर रहे हैं मेरा तुम। अरे तो आए जब से बीड़ी पी रहे ही ना रे भाई, अभी तो क्या बोला काम खत्म करे बीड़ी पीता बोला ना। लड्डू पाशा नहीं सुनता साहब, लड्डू पाशा बहुत गुस्से में आता है, तुम बोल रहे नहीं सुन रहे तुम मेरी बात। हम ही लोग काम नहीं कर रहे, एक आदमी होना पड़ता है, और एक आदमी जरूरी है, जरूरी काम करना जरूरी है, एक आदमी होना है। तू बोला ना दो जाने पूरा काम कर लेते बोल के बोला ना तुम, इतने को पहले मैं तुझे क्या बोलिया, किरकिरी भरा दिख रहा है आदमी, नक्कर है बा का, तो चल कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अब कर लेंगे। किरकिरी तू कर रहा रे, मैं क्या कर रहा हूँ किरकिरी। हाँ सोप भी मैच कर रहा हूँ, किरकिरी भी मैच कर रहा हूँ, सामान भी मैच गिराया, दादा को भी मैच गिराया, आटो मी मैच सो मैच कर रहा हूँ। तू गिराया ना ये, मैं क्या गिरा, फिर दादा को बीच में कहीं गुला रहा, अब मारता हूँ रे तेरे को। अरे बरकत तू बोल रहे है, अरे बरकत पाशा बोलो, बोले तुमको बरकत पाशा, ये लड्डू को बोल तू। जय भैया ये इतनी बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, चिल्ला को किससे बात कर रही थी तुम्हें। अरे तो काम को लाया तो काम करना रे भाई, तू चिल्लाने के को लगा रहा मेरे को, तुम ठंडा पानी पी को बात करो। बोला गांव वाले नको 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 बोल के सुनते नहीं क्या तुम। जय 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 गांव वाला किससे बोल रहे थे। और देखो जी तुम्हारा आदमी आ रहा, गांव वाला बोलते हैं हमारा आदमी काम नहीं कर, तो गुस्से में आ रही, तुम्हारा आदमी गांव वाला बोल रहे, अच्छा तुम सामान नहीं उठा रहे ना रे भाई। कौन उठाई थी, तुम ही उठाई, मैं ला को रखी हूं। अरे तुम दोनों मिलके उठा रहे हो, हाउस में अभी बाहर से अंदर क्या, कौन लेके आई जी, नीचे से कौन उठा रहे, हम दोनों उठाए ना। और एक आदमी लगता साहब, मेरे को नहीं मालूम, और एक आदमी लगता। देखो रे भाई काम करो, तो गांव वाला नको बोल रहे भाई इसको, गांव वाला बोल रहा है आंध्र से आया बोल के पूरा कर ले साहब। भाई मेरे को जरूरी जा रहा हूं मैं, जा आया किसको। अरे जा लड्डू पाशा, कहीं को लड्डू पाशा, सका नहीं दे रहे, रुको जी मारो को तुम, रुको हम काम कर रहे हैं ना। चलो 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 लड्डू पाशा, कहीं की इज्जत नहीं कर रहे तू। अरे रियाज बड़े सामान है देके भेजा मियां पहले। हां हां भेजा रहा हूं भेजा रहा हूं, भारी जी अच्छा ले जा रही ले जाओ। अरे लड्डू, अरे देख रहे बरकत ने खाली ढक्कन ले लेके आ रहा। अरे क्या होते जी ढक्कन लाए तो क्या हुआ, क्या वो सामान ही है, फेंका कहीं करे तू, और ढक्कन उठा के लाता खाली, क्या वो टूटिया फेंका तो टूटिया तो बोलना जी बा, हम ऐसे रोज सामान ऐसा यूं उठा के फेंकती,
कोई भी कैबिन है बोलते हमने देख पाशा क्या रे लड्डू पाशा तू इधर लड्डू इधर चंदन साहब मैं करता उसका काम पूरा पूरा तुम्हारा घर का सामान खाली करके दिया तो बस ना मैं पूरा करता है तू ड्रम लाया ना तू ढक्कन भी लेके आना था ढक्कन और खाली पाइप ला लेता हूं डाले के बड़ा सामान लेके आता साहब ए लड्डू पाशा बड़ा सामान ला रे अरे भाई मैं तुमको बोला गांव वालों को नको ले लेके आओ बोल के अड्डे पे से देखो कैसा कर रहे हो लोग काम अरे मैं बोला अपने दो पैसे बचते बोल के ला रहे भाई मैं अरे देख के लगा मैं साइड पे लगा अरे तू क्या सामान लेके आ रहा है यार तू बड़ा सामान दे के भिजा इसको अंदर जा अरे चल रहे बड़ा सामान दे चल अंदर चल क्या छोटे छोटे सामान ले लेके आ रहा ए पुकार रहे कौन जी उठा के अंदर रख वो ए लड्डू पाशा ऐसा कहीं फेंक रहे तू कबूतर की जाली है वो अंदर रख वो अरे वो ड्रम को उठा के रख ड्रम को उठा के रख ड्रम ऊपर लगा कोने में बड़ा ए पुकार ना कर बड़ा सामान बताओ चल वो ड्रम अंदर चढ़ा पहले ड्रम अंदर चढ़ा अरे भाई क्या नखरे कर अरे बरकत ले रहे लड्डू को ड्रम अंदर डाल रख रहे साहब रख लिया रुको साहब रे दीवाने फेंक रहा गई गुरे तो इज्जत से बोलो फूटिया तुम्हारा ड्रम फूटिया नहीं फूटिया ना चल रे बस दूसरा सामान लेंगे चल देख के लाओ जी दे क्या है रख लड पैसा आज होता तो पीछे से उठा तो मैं पकड़ रहे पकड़ रहे पकड़ो पकड़ो अजा हो रही अजा के बात करती काम आपने कर दी पकड़ रखा रखा अजाके बात कर दी हाँ ठीक है बैठो बैठो कोई बात नहीं पूरा गलत कारोबार कर यार चिंदी ग्राहक को पकड़े जीते में पार्टी का तो कैसे था ना चाय पिलाना बिरयानी खिलाना लेबरों को अच्छा देख लेना इन्हीं का चिंदी चोर पानी नहीं पी रहे हैं खुद को नहीं पी रहे हम ना क्या पिलाता है जी बैग दे दे क्या तुम्हें लड्डू डालो तुम इच डालो जी का वजन है एक हो गया भाई डालो डालो जी फेंको पूरा ताट पटरी डालनी अच्छा पानी की नहीं पड़ा तो भीगना नहीं हाँ चलो काढ़ो ये चीज काढ़ो बैठते हैं पीछे हेलो ये जरूरी चीजा है ये भी अंदर रखो जरूरी है तो तुम ही रख लिया हम ना क्यों दे रहे अरे गाड़ी के साथ भिजा दे रहे ना मैं आज तक टाइम लगता वहाँ पे हमें जहाँ सामान उतारने में उतार को छोड़ देती देखो वहाँ जाके अंदर कमरे में रख देना इसको हमें रखती सब सामान के संगत रखती जो भी है तू भी देख लेना हमना नहीं बोलना बाद में अरे दोनों मिल के आ रहे पीछे ऑटो के साथ तुम ना जा रहे ना जितना सामान यहाँ डाले ना पूरा सामान वहाँ बराबर गिन के उतारना क्या बोल रहा हूँ बरकत एक बरकत पाशा अरे बरकत बरकत बोल रहे बरकत पाशा बोल रही है जी है लेबर है तो इज्जत नहीं देती बरकत पाशा कहो हाँ बरकत पाशा आप पूरा सामान गिन के वहाँ उतारना ये दो बैगों में जरूरी पेपर हुए है अच्छी बात है अच्छी बात लड्डू पाशा हाँ जी निकलो चलो गाड़ी ले लेके निकलो चलो काटो जी गाड़ी गाड़ी जाए निकलो निकलो पीछे से निकाल सामान पूरा चलो जी बात जल्दी आओ जी हाँ जरा जल्दी आओ अरे अरे पीछे आ रहे हो काट रहे वाह ए लड्डू पाशा हल्लो रे भाई ए हल्लो चला रे चला चला हाँ जी का रे बरकत पाशा कैसा है रे अरे चला रहे ने रे सही ने चलो 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 जी बा गाड़ी निकालो और स्पीड चलो अरे नीचे का लगा वो स्पीड चलो अब पैसे दे दो चल रहा है लड्डू पूरा पर क्या करेंगे जी क्या करेंगे अगर मुंह नहीं धोएंगे अब पानी पूरा उछल रहा है पूरा गिरता ना सब आओ गो तेरे तेरे पूरा खराब रहता जाके नाना छे का जी बा उधर डालना था जी पानी घर के सामने डाले तो पूरा कच्चा कच्चा हो गया क्या भी नहीं होता जी दे दो जी भैया पैसे दे दो लोग पूरा सही जमा दिया उधर रख दिए बोलो जी धूप देख रहे कितनी धूप पूरा सूख जाता हो हां पूरा जमा को पूरा जैसा रखो बोली मैं था रखी पूरा हुए हेलो बरकत पाशा ये तुम्हारे को 2000 रुपए दे रहा हूँ देखो अरे साहब 3000 रुपए की बात हुई ना 3000 रुपए की बात हुई वो दादा का हमारे वो गिरा दिए वो तड़ा खा गई 50 साल से हम लोग संभाल के रखे उसको गिरा दे के खराब कर दिए
1000 रुपए उसके काटा था हमारे को मैं। वो पेटी बेचो तो 500 रुपए नहीं आती, उसके 1000 रुपए काट रहे तुम्हें। वो हमारे दादा की है ना, वो यादी है, निशानी है, 50 साल से रखो से है। तो हमारे से क्यों उठाने लगे, तुम्हें उठा लेना था तुम्हारे दादा की, तो पैसे क्यों काट रही साहब। हाँ लकड़ी के चकले से 4 कीले मारे का नहीं वो सही होते, उसके 1000 रुपए काट दे। जा, जा, भी दे ये भी रख लियो नक्को, वो भी फ्री मिच करके जाती है। बोला है अच्छा नहीं, अच्छा बात कर, बात करना अच्छी बात नहीं है। अरे लोग गांव के तो क्या हमारे काम करते रहे लोग, हाँ देखा नहीं काम करे तो देख भाई बरकत साहब 3000 की बात हुई 3000 रुपए दो साहब। हाँ लड्डू पाशा गुस्से में आया ना, फिर अच्छी बात नहीं रहती, पूरा घर के सामने लोली हो जाता तुम्हारे। दे दो 3000 बात हुई 3000 दे दो। आधा सामान हम दोनों उठाए ना रे। आज तो क्या करना है, तुम्हारा सामान तुम्ही ना तक हम ही उठाना। तो फिर पैसे कहीं के दे रहा हूँ, उठाने के दे रहा हूँ ना तेरे को, तो हम ही तुम्हारा सामान उठा। इसके आस्ते पूछे पूछ रही। देख भाई 3000 में बात करा तो 3000 दियो, 2000 दे रहा हूँ, 1000 रुपए तुम लोग का। देख पहले तो ना पूरा सामान उठाते मैं बता दिया, फ्रिज भी बताया, मशीन भी बताया, तुम लोग सब सामान बताया तो सब भी उठाई इस तो उसमें ड्रम के ऊपर भी सुराख मार डाला। अब वो ड्रम कितने का है, 1150 रुपए का ड्रम है, वहां से इधर ऑटो में लाए तो 200 रुपए लगते, 1350 रुपए का वो नुकसान कर दिया तू। अरे क्या भी नहीं करें जी, 15 रुपए का एमसील लगा, ठहरे जी 15 रुपए का एमसील लगा चिपका चालू होता है, वो हर 4 दिन तो एमसील लगाना पड़ता है, फिर 5 रुपए का लाके वो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम जी भाई, क्यों गुस्से में नहीं मिल जाए। देखो भा का भी नहीं, पैसे दियो अभी दियो दियो दियो। नहीं नहीं वो बराबर है, 1000 रुपए वो दोनों चीजों का काट दिया हमें, वो हमारे दादा की थी वो पेटी, तुम लगा तोड़ के खराब कर दिए वो। अरे साहब 200 और 1000 रुपए दो खाली पीली के हमारे पहले पेट में, मेरी बात सुनो, हम लोग गरीब आदमी हमारे पेट पे लाते कुमारा साहब जी। क्या जी क्या, देखो मेरे गुस्से में नक्को लाओ दो पहले तुम लोग, मिंजे गुस्से में नक्को लाओ, पैसे दियो तुम्हें पैसे। तुम लोग सुबह 8 बजे आके काम शुरू करे, 2 घंटे का काम था, 10 बजे खत्म होने का, 4 बज गए काम तुम्हारे पीछे, आधा हम दोनों हाथ लगाए तुम्हारे को, तो लगाना पड़ता है लगाना पड़ता है तुम्हें, 4 लेबर लेने का 2 नहीं तो लगाना पड़ता है। मैं तेरे को पूछा ना तो 2 लेबर कर लेते बोला ना बरकत। क्यों हुशाना कर रहे, क्या बात कर रहे बरकत है, तेरे नाम में बरकत है रे, इसमें पैसा में काफी बरकत नहीं है रे तू है। अजी भा एक दार ना तुम्हारी ना हमारी, रुपये 500 और दियो हमें चल लाते। एक आना नहीं देता ऊपर बढ़ गया मैं जी। तुम लोग मेरा ड्रम भी फोड़े वो भी करे, मैं दोनों के पैसे काट ले, आप कामों चले जाओ, मेरा दिमाग खराब करे तू, बार बार बीड़ियां पी पी के मेरे दिमाग खराब कर। अजी क्या मैं तुम्हारे पैसे से बीड़ी पिया, बीड़ियां नको बोलो, मैं पी तो मेरी मर्जी। देख लड्डू पाशा आज की पैसे से बीड़ी पिया ना साहब, क्या तुम्हारे पैसे से पिया मैं। देख बरकत मैं तो दो नुकसान करा ना, उसके पैसे काट लिया, आप तुम ना चले जाओ नहीं तो मैं मारता हूँ। 3000 की बात ही ना, लड्डू पाशा को अब चले जाओ, मेरे को नहीं मालूम। जय जय खैरा जी, बरकत पाशा ने बोल रही है, बरकत बोल रही है। जय नाम लेने तो सीधा लेने तो नक्को लियो, काजी भाई 1000 रुपए नहीं देते तुम्हें है, नक्को दियो है, कब लेना है कैसा लेना है मैं ले दूं क्या, 1000 रुपए लोग करोड़पति बनती है क्या, होते जी एक टाइम की चाहिए बीड़ी काड़ी और बिरयानी में छोको जाती, मगर अब छोड़ रू का मत को रोज पकड़ दो तुम ना, पूरे 1000 रुपए उछल तू, 1 रुपया ने छोड़ तू उसमें से, हाँ ऐसा कर रही। 500 रुपए मैं ही कयामत के दिन 500 रुपए मैं पूछ तू, 500 रुपए इन्हें पूछ सही। अरे वैसा क्या हो रहा है, तू कितनी बात करी, 3000 बात करी, 3000 बात करी है करिया ना, 3000 1 2 3 1500 तेरा, 1500 मेरे, 500 1000 1500, यह 1500 मेरे, यह 500 तेरे, 1000 रुपए कयामत के दिन तू पूरा पूछ ले ऐसी, हाँ मैं जा रू बा, बहुत अच्छा कर रहे बरकत, बहुत अच्छा कर। अजी 1000 रुपए तुम देना जी कयामत में, मेरे को बोल दे रहा हूँ मैं, लड्डू के भी 500 तुम ही देना मेरे को। अरे लड्डू क्या है कि भाई तुम्हारा समझने नहीं आता, मैं पहले बोला तुम्हें काटा ना पैसे देखा नहीं, अब काटे क्या फायदा हुआ, पुकार ले गए ना हम लोग। अरे आखिर गए कहाँ भाई, पेपर हाँ मैं इसमें रखा। अरे भाई इसमें रखे तो पेपर आ जाते कहाँ पे, अब इसके अंदर देखो ये शमशाबाद की जमीन के पेपर आ हैं, इसके सामने की जिप में ये रखा मैं, यहाँ पे शमशाबाद की जमीन के भी है, ये लोन अप्लाई करे सो भी पेपर है, ये लोन का वो पेपर कहाँ है, तो वो एक बोल रहा हूँ मैं, सामने यहाँ रखे थे इसके साथ था तो गए कहाँ पेपर है वो, मैं तुम्हारे को गाड़ी में सामान रखते खदीज बोला हिफाजत से बैग रखो बोल के। हाँ जी हिफाजत से रखा मैं, पेटी में चेक करे तुम 10 बार देख लिया पेटी में, पेटी देख रहे तो जान जल जा रही मेरी, तोड़ दिया सबों ने। अरे वो ड्रम के पीछे ये पसारा पूरा पसारा डाल के चल गए यहीं चुल्ला। अरे वो जान दो भाई पसारा, आप पहले पेपर आ गए, ये देखो तुम एक बार चेक करो ये बराबर पेपर है क्या, वो देखो लोन के पेपर है, मेन पेपर ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा भाई, ऐसा कैसे चल जाते पेपर बैग में से, क्या है भाई तुम रखे नहीं रखे रखा भाई। अरे क्या बड़े भाई तुम ऐसा बोल दे रहे, मैं नहीं रखता क्या अपने घर के पेपर नहीं रखते क्या भाई, तुम ऐसा बोल दे रहे, एक बार उठो चेक कर लेंगे, एक बार उठो तुम। अरे इसमें 10 बार देख लिया मैं, इसमें है ही नहीं, और मैं यहाँ रात में यहाँ ही देखा था रखा हुआ था, सो सुबह में नहीं है पेपर। सब ऐसा चल जाते भाई,
दरवाजे की आवाज आ रही, जाओ खोलो दरवाजा, खोलो कौन आके पड़ेगी। दिमाग खराब हो रहा मेरा, सुने दिमाग खराब हो रहा मेरे को। वो दूसरा बैग में देखो, दूसरे बैग में देखो। देख तुझे, तुम दरवाजा खोलो पहले। क्या है रे, फिर से आए तुम लोग? नहीं जी भाई। हाँ रे, कयामत में लेता बोला ना रे, तू फिर कहीं को आया रे? कहीं को आए रे? अजी भा वो तुम एक पैसा नहीं देता मैं। चलो चलो निकलो, चल रहे रे लड्डू निकल। बात सुनो जी भा। देख लड्डू, अब दिमाग खराब नको कर बरकत, इसको ले लेके चले जा। कयामत में लेता बोला ना पैसे, अब कहीं को फिर आया? ठहरे जी भा, मेरी बात सुनो जी भा। देख एक पैसा देने वाला नहीं हूँ मैं भा। वो का होवे बोलतो, तुम्ही मिंजे गुस्सा करी, चाय नहीं पिलाई है, बीड़ी पीने नहीं दी, वो सब मिंजे खार में आको। मैं क्या करा, तुम्हारे बैग में से एक भारी पेपर काट लिया जी। मैं जाको फाड़ेंगे बोल को पेपर काटिया तो उसमें कहा कि भारी 50 लाख 25 लाख का को लिख के थे। मैं बोला क्यों जी साहब, एक चुप 1000 रुपये के वास्ते किसी का क्यों लाखों का नुकसान करना बोल को? वापिस करने आया जी साहब जी, गलती हो गई है, मिंजे माफ करो जी भा। हाँ लड्डू पाशा, हाँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा जी बा। जान दे रे, रो न करे बा, रो न करे बा, जान दे। ये चुप रहा है, जब से मिल रहे थे। जाते नहीं साहब, हाँ जाते। चलो चलो चलो, रुको रुको। क्या जी बा, मैं गलत समझा रे? हाँ तुम्हारे को 1000 जो कम दिया सो वो 1000 रे ले रे बा, तेरे पैसे तू रख ले। हाँ रख ले, चल चल। तैर तैर लड्डू। क्या जी बा, ये 2500 रुपये इनाम तुम दोनों को। हाँ नको जी बा, है इनाम इनाम के वास्ते नहीं करें जी भा। क्यों किसी का हराम का खाना बोल के? हमने कहा साहब हम गरीब है मगर हराम ही नहीं है जी भा। हाँ तुम्हारे पैसे तुम ही रख लियो, तुम्हारे तुम ना मुबारक जी भा, पैसे नको नको। खुशी से ले रहे, खुशी नको जी भा, क्या करती नको, रो एक टाइम की रोटी का मिल गया हमना तो बस जी भा। हाँ जा रहे, ले ले लड्डू, खुशी से दे रहे। नको जी भा, गलती हो गई तो माफ जी भा, जा जा। चल चल चल, तुम चाय पिलाए तो इतना होता भी नहीं था। चल रे तू, क्या थे भाई? चलो टेंशन खत्म हो गई भैया।